नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोसेस। यहाँ देखिए, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक ऐसी निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। एक निश्चित संख्या का जो संख्या जोड़ी जाती है, एक निश्चित संख्या समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहलाता है। जैसे जो हम जोड़ते हैं निश्चित संख्या, उसको समांतर श्रेणी का हम सर्वांतर कहते हैं। यह सर्वांतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। यदि प्रथम पद ए हो तब इस समांतर श्रेणी हमारी हो जाएगी ए, उसमें हम डी जोड़ें तो ए प्लस टू दूसरा पद हो जाएगा, तीसरा पद ए प्लस टू डी, चौथा ए प्लस थ्री डी, इस तरह से हो जाएगा ए प्लस फोर डी। इसका अगर हम संख्यों में देखें, देखो यहाँ पर ए का मान अगर हम 10 रख लें, यदि ए बराबर अगर 10 है, पहला पद 10 है तो इसमें 10, ये देखिए यदि ए बराबर 10, 20, 30, इसमें सर्वांतर 10 का अंतर है, इसमें से 10, इसमें से 20 को घटाएंगे 10, इसमें से 20, यानी इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर 10 है। प्रत्येक संख्या में हम 10, इसमें 10 जोड़ें तो 20 प्राप्त होगा, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 30 प्राप्त होगा, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 40 प्राप्त होगा। इस प्रकार ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, सर्वांतर कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, ये इसकी परिभाषा है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जोड़ो क्या है? जैसे देखिए, जैसे ये हमारा पहला पद 100 है, दूसरा 70, तीसरा 40, चौथा 10 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा। ये पहला पद हमारा ए का मान यहाँ 10 है और डी का मान हमारा यहाँ आ जाएगा 70 में से 100 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -30, यानी सब में से -30 किया गया है। यही निश्चित पद है, इसी को हम सर्वांतर बोलते हैं, जो इसका मान 30 है, -30। जैसे देखिए, एक श्रेणी हमारी है, ये 100 है, 70, 40, 10, इसका सर्वांतर हम निकालेंगे। यहाँ डी का मान दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो यहाँ 17 - 100 तो यहाँ -30 हमारा हो गया। इस पहली वाली श्रेणी का सर्वांतर 30 है, -30, समय -30 जोड़ेंगे तो अगली श्रेणी अगला पद मिलता जाएगा, इसको हम पद बोलते हैं। फर्स्ट के ये सब पद हैं, देखो इसमें दूसरे जैसे हो गए 1, 2, 3, 4, ये पहला पद हमारा, या दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे अनंत तक जाएगा। तो इसमें देखिए समय प्लस एक किया गया, इसमें प्लस एक जोड़ेंगे तो मिलेगा 2, इसमें प्लस एक जोड़ेंगे तो 3, इसमें प्लस एक जोड़ेंगे तो 4। इसका सर्वांतर कितना हो जाएगा? इसमें डी का मान हो जाएगा 2 - 1 या बराबर 1 हो जाएगा। इसमें सर्वांतर डी 1 है, इसमें देखिए इसमें प्लस एक जोड़ेंगे तो 2 - 2, फिर प्लस एक जोड़ेंगे तो -1, फिर प्लस एक जोड़ देंगे तो 0। इस प्रकार इसका सर्वांतर भी +1 है। इसमें देखिए 3 है, दूसरा पद 3 में से अगर 3 घटाएंगे तो 0, इसमें डी का मान हमारा 0 है। डी का मान ये भी समांतर श्रेणी, समय 0, 0 का अंतर है, 3, 3, 3, तो समय 0, 0 का अंतर है, तो ये भी हमारे एक समांतर श्रेणी है, ये भी समांतर श्रेणी है, ये भी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी। एक बार फिर से देख लीजिए, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। सारा उदाहरण मिला लीजिए, देख लीजिए, जो हम चौथा बताए हैं 3 में से 3, 3, 3 हमारा था 3, 3, 3, अनंत तक, इसमें से अगर हम 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 मिलेगा, सब में 0, इसमें 0 प्लस कर देंगे, इसमें भी 0 प्लस कर देंगे, इसमें भी 0, इसमें डी का मान हमारा 0 है, ये भी एक समांतर श्रेणी है। अच्छा 1, 2, 3, 4 ये हम देखे हैं, इसमें भी एक जोड़ो, एक जोड़ेंगे प्लस एक, प्लस एक,
प्लस एक तो अगली संख्या मिलती जाएगी हमको, अगला पद। तो भी हमारा समांतर श्रेणी है, इसमें दो माइनस एक, ये हमारा डी का मान है, इसमें एक आएगा। अगर कहीं पर सर्वांतर निकालना हो तो दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, चाहे तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं, चौथे पद में से अगले पद में से उसके ठीक पहले वाला पद घटाते हैं, इस प्रकार हमको सर्वांतर प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए हमको कोई समांतर श्रेणी दी गई है जिसमें पहला पद और सर्वांतर पूछ रहा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये हमारे जैसे एक समांतर श्रेणी है माइनस एक पॉइंट जीरो, फिर माइनस एक पॉइंट फाइव, फिर माइनस टू पॉइंट जीरो, माइनस टू पॉइंट फाइव, इस प्रकार ये आगे बढ़ते हैं। ये हमारे समांतर श्रेणी में से प्रथम पद, पहला पद, प्रथम पद इसको ए हम बोलते हैं, ये हमारा है माइनस एक दशमलव शून्य। अब सर्वांतर निकालना है हमको, सर्वांतर इसको डी बोलते हैं, 1.5 में से हम माइनस 1.0 घटा देंगे, ये भी माइनस है इतना। दूसरे पद में से पहला पद, दूसरे पद में से तो यह माइनस 1.5 हो जाएगा या प्लस 1.0 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा हमारा माइनस 0.5, यह इसका सर्वांतर हो गया। इस प्रकार दोस्तों, जैसे अगर किसी भी क्वेश्चन में पहला पद पूछेगा तो पहला पद तो इस सामने दिख रहा है, सर्वांतर पूछेगा तो दूसरे पद में से पहला पद घटाइए चाहे तीसरे पद में से दूसरा पद, किसी दो पदों के बीच का अंतर ही सर्वांतर कहलाता है। आज की वीडियो यहीं तक, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार।